गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें एक अरे गिवन है 2, 1, 4, 3, तो हमें क्या करना है, 2, 6, 2 के नेक्स्ट में जो एलिमेंट है वो चेक करना है कि वो इससे स्मॉल है कि नहीं। जैसे 2 से स्मॉल कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर 1 को चेक करना है, 1 से स्मॉल कोई एलिमेंट है, 4 1 से स्मॉल नहीं है, 3 भी नहीं है, तो -1 रिटर्न कर देना है। 4 से स्मॉलर क्या है, 3 है, तो 3 रिटर्न कर दिया। अब 3 से स्मॉलर तो कोई है नहीं, तो इसलिए -1 रिटर्न कर दिया। तो इसका अप्रोच काफ़ी सिंपल है। तो एक तो बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला अप्रोच होगा, जिसमें आप दो बार ट्रेवर्स करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। मैं आपको स्टैक वाला मेथड समझाता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगी। तो क्या करते हैं, एक आप स्टैक बना लीजिए int टाइप का, ठीक है। अब हमें कंपेयर करवाते रहना है फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने स्टैक में -1 पुश करवा लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये स्टैक बन चुका है जिसके सबसे बॉटम में -1 पड़ा है। अब हमें एन माइनस वन से लेके हमें कंपेयर करवाते रहना है, ठीक है। अगर ये जो हमारा 3 है वो क्या कहते हैं, इससे अगर ग्रेटर है, ठीक है, ये जो हमारा -1 था ना स्टैक में, यानी इनिशियली एसटी डॉट टॉप पे -1 पड़ा है। इफ अगर ये जो हमारा ये अरे का आई है, मतलब अरे का जो ये है, ये इससे बड़ा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, सिंपली पुश कर देना है, ठीक है। फाइल, तो इस केस में जो हमारा जो एक आंसर नाम का एक वेक्टर बना लेते हैं, जिसका साइज n होगा, ठीक है। और एक हम हमारे ये जो आंसर का ये जो ith एलिमेंट होगा इस केस में, एक सेकेंड, आंसर का जो ith एलिमेंट होगा इसमें हमें ये -1 ही पुश करवा देना है ना, तो इसमें ये हमारा एसटी डॉट टॉप हो जाएगा। एंड देन फिर हमारा जो स्टैक होगा इसमें हम हमारा ये जो है अरे ऑफ आई पुश करवा देंगे। अब हमारे स्टैक में क्या हो गया, सबसे नीचे -1 पड़ा है, एंड देन हमने ये अरे ऑफ आई क्या था, ये 3 था ना, ये 3 पुश करवा दिया, ठीक है। तो 3 पुश करवाने से हमारा स्टैक क्या बन गया, -1, और उसके ऊपर हमारा 3 पड़ा है, ठीक है। अब हम 4 को कंपेयर करवाएंगे। अब हम 4 आई हमारा -, अब आई हमारा 4 पे पहुंच गया है। अब 4 में हमें क्या करना है, एस टी डॉट टॉप। अब 4 तो क्या कहते हैं, तो 4 ग्रेटर देन क्या कहते हैं 3 है, तो इस केस में भी हमारा ये जो है आंसर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप, यानी आंसर का ये जो ith एलिमेंट आई होगा उसमें हमारा ये जो टॉप है, टॉप पे हमारा क्या आ गया था, 3 आ गया था। स्टैक के टॉप में -1 था, फिर हमने स्टैक के में पुश कर दिया था ना ये 3, तो -1 ये 3 हो गया। फिर 4 को भी हम अब पुश कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे ये जो आंसर का ith एलिमेंट होगा ना, इसमें हम st डॉट टॉप डाल देंगे। st डॉट टॉप क्या हो गया था हमारा, ये 3 हो गया था, तो ये हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर के अरे में, ठीक है। और अगर ये जो हमारा 1 है, अब 1 तो क्या कहते हैं 3 से स्मॉल है, तो इसमें अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वाइल अरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू st डॉट टॉप,
तो इस केस में हमें अपना स्टैक को पॉप करवाते रहना है, ठीक है। हमें अपने स्टैक को पॉप करवाते रहना है। तो वन के लिए हमने फोर पुश हो गया था तो फोर को पॉप करवा दिया, थ्री भी पुश हुआ था तो थ्री भी पॉप हो गया। अब माइनस वन बचा, अब क्या कहते हैं, अब तो ये अरे ऑफ आई एस टी डॉट टॉप हमारा क्या बन चुका है, माइनस वन। पॉप होते होते एस टी डॉट टॉप माइनस वन बन चुका है और हमारा ये जो अरे है ये क्या कहते हैं अरे ऑफ आई वन वन पे आ गया था। तो अब तो ये पॉप हो गया। अब वन, अब ये वाइल लूप पे नहीं जाएगा तो इस केस में अब हमारा ये जो आंसर ऑफ आई हो जाएगा, ये आंसर ऑफ आई हमारा क्या था एस टी डॉट टॉप क्या बन चुका था, माइनस वन। इसलिए अब हमारा ये जो आंसर ऑफ आई है ये माइनस वन हो जाएगा एंड देन फिर हम अब पुश कर देंगे अपना क्या कहते हैं अरे ऑफ आई, यानी वन पुश हो जाएगा। अब हमारे टॉप पे वन हो चुका है। अब फिर टू को हमने किससे कंपेयर करवाया, अरे ऑफ टू इज लेस देन एस टी डॉट टॉप, अरे ऑफ आई क्या बन चुका था टू, टॉप पे क्या आ गया वन क्योंकि वन पुश करवाया था। तो टू लेस देन वन नहीं है तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इस ये लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ था, वन पड़ा था और आंसर ऑफ आई में हम क्या स्टोर करवा देंगे, वन स्टोर करवा देंगे एंड देन फिर सिंपली हम अपना आंसर रिटर्न करवा देंगे। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। यहाँ पे क्या कंपाइलेशन एरर हो गया, अच्छा हैश इंक्लूड स्टैक नहीं किया मैंने, एंटर हैश इंक्लूड स्टैक। तो गाइस ये देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये बिल्कुल सही से चल जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा।